we have a new chapter, tax administration for company, और आप कह सकते हैं सेल्फ असेसमेंट फॉर कंपनी। कंपनी को कब टैक्स जमा करना है, कंपनी को कब टैक्स जमा करना है, कंपनी को कब रिटर्न जमा करवाना है, कंपनी चीटिंग फ्रॉड करेगी तो क्या होगा, कंपनी लेट टैक्स पे करेगी तो क्या फाइन होगा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल थिंग्स। मैंने आपको इसका हैंडआउट भेजा है, हमेशा याद रखना क्वेश्चन टू या क्वेश्चन वन जो भी है, एक क्वेश्चन 15 मार्क का लाजमी सीआरक्यू कंपनी से होता है, और उसमें 2 से 3 मार्क की कहानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, कभी कभी ये 5 से 6 मार्क पे भी चली जाती है। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली हर अटेम्प्ट में एग्जामिन होने वाला टॉपिक है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल का हम देखेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कंपनी चल रहा है, कंपनीज एंड पे है, तो कंपनीज के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं अभी। कंपनी कॉरपोरेशन है, कंपनी का मतलब एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस होता है उसको यूके में टैक्स देना होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस हैंडआउट में आपको सारे मिलेंगे। अब देखें कंपनी रिटर्न कब जमा कराएगी, पहला सवाल। रिटर्न बोलते हैं कि कंपनी गवर्नमेंट को अपना हिसाब कब बताएगी, रिटर्न कब जमा कराएगी कि हमने इस साल क्या किया। कंपनी में टैक्स ईयर नहीं होता, कंपनी में टैक्स ईयर नहीं होता, कंपनी ईयर एंड या पीरियड ऑफ अकाउंट्स, ईयर एंड या पीरियड एंड के हिसाब से काम कर रही होती है और वही चल रहा होता है कंपनी में, इसीलिए बेसिस पीरियड भी नहीं होता। ये कंपनी में कोई ईयर एंड की चक्करबाजी, टैक्स ईयर की चक्करबाजी होती नहीं है, जो उसका ईयर एंड है उसी हिसाब से वो टैक्स देती है। तो कंपनी अपना रिटर्न कब जमा करवाएगी, हाज अ सवाल, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका जवाब बड़ा आसान है, मिसाल है, एक एग्जाम्पल से ये मैं समझा देता हूँ कि एक कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023, और आपको बताना है रिटर्न कब तक जमा करवाना है, लेटेस्ट बाय, रिटर्न जमा कब तक होगा, 31 31 रहेगा, दिसंबर दिसंबर रहेगा, बस एक साल, अगले साल एक साल की मोहलत होती है, यानी यू हैव होल ईयर टू सबमिट योर रिटर्न, इससे लेट नहीं कर सकते, इट्स अ लेटेस्ट, इससे लेट करोगे फाइन होगा, मुखालफा होगा, पेनल्टी होगी, इस डेट तलक यू मस्ट सबमिट द रिटर्न टू हुकूमा टू गवर्नमेंट। गॉट माई पॉइंट? यस सर। अब एक कंपनी है, मिसाल है सर, उसका ईयर एंड है 31 जून 2022, इसकी रिटर्न की तारीख क्या होगी, कब रिटर्न जमा कराएगी, कब तक करवा सकती है सर? 30, 31 जून 2023। पहले तो आप 30 करें, जून 31 का सर आपने बनाया है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जून 30 का होता है, 30 जून का जून 22 की जगह क्या कर दोगे, कितना 23 मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत। अब इसमें एक मसला है, इसमें एक मसला है, एचएमआरसी को शक हो गया, ये कंपनी नंबर टू पे शक हो गया, ये कंपनी नंबर टू फ्रॉडी है, इसने इस ईयर एंड में खांचेबाजी, 2 नंबरी टैक्स फ्रॉड किए हुए हैं। एचएमआरसी आया, नॉक नॉक टंग डंग, घंटी बजी पड़िंग पड़िंग, कंपनी में आ गया एचएमआरसी। एचएमआरसी ने बोला भाई हमें आपका हिसाब देखना है, आपने पता है क्या बोला उनको, आपने बोला चल बे निकल, आपने क्या बोला, चल बे निकल, हिसाब जमा कराने की तारीख है एज पर द लॉ 30 जून 2023, मैं जमा करवाऊंगा रिटर्न तो देख लियो अभी से, तू क्या, यानी मिसाल के तौर पे एचएमआरसी जो है अगस्त की 15 तारीख को आ गया और बोलता है हिसाब दिखा, रिटर्न जमा करा अभी, आपने कहा चले तू कौन होता है अभी रिटर्न मांगने वाला, सर फैजान ने टैक्सी क्लास में पढ़ाया था रिटर्न जमा 1 साल बाद होता है, तो 1 साल बाद जब रिटर्न जमा कराऊ ना, जब देख लियो, ज्यादा होशियारी नहीं कर। एचएमआरसी गुस्से में आ गया, वापसी अपने ऑफिस गया,
और क्वीन को बोला, आंटी अब तो किंग हो गया है, क्वीन मर चुकी हैं, अंकल ये आपने क्या मरवा दिया है। हम किसी से रिटर्न मांगने जाते हैं, वो बोलते हैं भागो, रिटर्न की डेट आएगी जब ले लेना। तो फिर एक स्पेशल प्रोटोकॉल बना। प्रोटोकॉल क्या बना पता है? कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अपनी रिटर्न की जो फार्मूला है, जो मेथड है, उस पे आप रिटर्न जमा करवाएं, कोई मसला नहीं है। बट इफ HMRC इश्यू नोटिस, देन आपके पास होते हैं सिर्फ 3 मंथ्स टू फाइल आ रिटर्न। यानी वैसे आपके पास 1 साल है, लेकिन अगर HMRC आके बोले रिटर्न जमा करा, तो आपको फिर 3 महीने के अंदर अंदर जमा करवाना पड़ेगा। साल की मोहलत 3 महीने की हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई सवाल है तो बताइएगा। अब है रिटर्न में होगा क्या, रिटर्न के अंदर क्या क्या होता है? तो भाई रिटर्न के अंदर आपके हिसाब होंगे, पूरी TTP की वर्किंग होगी। TTP टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट की सारी वर्किंग होगी, कॉर्पोरेशन टैक्स की वर्किंग, 19% जो लगा के कॉर्पोरेशन टैक्स निकालते हैं वो होगा, और आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर होंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जिसको SOCI और SFP बोलते हैं वो लाजिम होगी। गॉट माय पॉइंट? और इंडिविजुअल को एक एज हासिल है, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन जमा करवाएं, चाहे तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक यानी मैनुअल भी रिटर्न जमा करा सकते हैं इंडिविजुअल्स। कंपनी के लिए ये जरूरी है कि कंपनी का रिटर्न बस ऑनलाइन ही जमा होगा, कंपनी का रिटर्न ऑनलाइन ही जमा होगा। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। अब एक मसला है, ग्रीन बॉक्स पे मैं आऊंगा। अब सर आपने जो एग्जांपल लिख के अभी हमें समझाया, उससे तो ये दिखा कि ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड, कभी कभी कंपनी का पीरियड ऑफ अकाउंट भी होता है। बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज पीरियड ऑफ अकाउंट, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पीरियड ऑफ अकाउंट का मतलब लिखा हुआ है हैंडआउट में कि जो कंपनी का एंडिंग 12 महीने से ऊपर हो, मतलब कंपनी जो है वो 1 साल पे ईयर एंड नहीं करती, 12 से ऊपर 13 14 15 16 17 18 22, वैसे 18 से ज्यादा अलाउ भी नहीं है, लेकिन जितना भी 12 से ऊपर करे उसको पीरियड ऑफ अकाउंट बोलते हैं। अगर एक कंपनी पीरियड ऑफ अकाउंट करती है यानी 12 से ऊपर क्लोजिंग करती है, तो क्या होगा? सर आपको याद है कंपनी का कैपिटल अलाउंस कैसे होता था? सर आपने बताया था इंडिविजुअल में 14 महीने है, तो 14 महीने का इकट्ठा AIA इकट्ठा WDA वगैरह हो जाता था, FIA बदलता नहीं था, लेकिन कंपनी में 12 महीने का अलग और रिमेनिंग का अलग होता था। याद आ रहा है? यस सर। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक चीज समझाऊंगा, ये बड़ी ध्यान से समझना, ये आपको किट में बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। एक आता है पीरियड एंड, एक आता है पीरियड एंड। अज्यूम करते हैं 15 मंथ्स एंड हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2023 में हो रहे हैं, 31 मार्च 2023 में हो रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम किस तरह से डील करेंगे, ये आपको हम बताएंगे। तो इस केस में जब 12 महीने से ऊपर का आपका पीरियड एंड होगा ना, तो पता है क्या होगा? आपको 2 रिटर्न्स जमा करवाने हैं। कितने रिटर्न्स जमा करवाने हैं? जैसे कि कैपिटल अलाउंस में था, शुरू के 12 महीने अलग कर दो और बाकी क्या कर दो? शुरू के 12 महीने अलग और बाकी अलग, करेक्ट और रॉन्ग? शुरू के 12 मतलब ये क्या बनेगा? शुरू के 12 फर्स्ट जनवरी से जन लेकर 31 दिसंबर तक। ये एक रिटर्न बनेगा,
और 1 जनवरी 23 से 31 मार्च 23 तक ये दूसरा रिटर्न बनेगा। इसका नाम रख दो रिटर्न नंबर 1 समझाने के लिए, इसका नाम रख दो रिटर्न नंबर 2 समझने के लिए। इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, बस ये है कि दो रिटर्न बनाएंगे यानी दो टीटीपी की वर्किंग होंगी। आपको याद होना चाहिए एश लिमिटेड वाला क्वेश्चन, लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट्स वाले 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे, याद हैं? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट हैंड आउट जो कॉर्पोरेशन का हैंड आउट, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट, याद आ रहा है? यस सर। 12 महीने अलग, रिमेनिंग अलग, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग इनकम, ये टाइम अपोर्शन होती है, सीजीटी और क्यूसीडी, वो उसके हिसाब से जहां पे फॉल करे उसके हिसाब से लिख देते हैं, और इंटरेस्ट का तो अपना ही तरीका है। तो ये वही तो किया कि जो पहली टीटीपी पहली वर्किंग हुई है उसका रिटर्न अलग बन गया, बाकी का अलग बन गया। सवाल ये है कि जमा कब होगा सर, रिटर्न की डेट क्या होगी? आपको रूल बताया है ना मैंने, रिटर्न कब जमा कराना होता है? 1 साल बाद 1 साल बाद, यानी 31 मार्च 2023 की जगह क्या हो जाएगा? 31 मार्च 24। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा भंड मारते हैं, अपना दिमाग पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। वो बोलते हैं सर दो रिटर्न बने हैं ना, तो एक रिटर्न जो है ना वो ये 31 दिसंबर 23 को और दूसरा 31 मार्च 24 को जमा होगा। हैं, ये किसने पढ़ा दिया मेरे भाई? एक जमा एक ही होगा, दोनों बनेंगे, बनेंगे दो और दोनों एक साथ जमा होंगे, सबमिट होंगे लेटेस्ट डेट पे, यानी जो आपका पीरियड एंड होता है ना जिस तारीख पे, उसके 1 साल के अंदर ये जमा होंगे, जमा इकट्ठे होंगे, दोनों रिटर्न अलग अलग बन के अलग 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 पेज होगा, दोनों रिटर्न अलग अलग ऑनलाइन प्रिपेयर किए जाएंगे और सबमिट एक साथ होंगे, और एक साथ जमा करवाने की जो तारीख होती है वो पहले ईयर एंड होता था तो अगला साल, तो यहाँ पे पीरियड एंड है तो उसमें भी 1 साल ही जोड़ लेना मेरा भाई, कोई मसला है क्या? इसमें कोई तकलीफ? नहीं ये लिखिएगा प्लीज। अब ऐसी कंपनी पर्पल बॉक्स, एक नजर ग्रीन बॉक्स को पढ़ लो, देखो जो मैंने सिखाया है वही है कि कुछ और तो नहीं लिखा हुआ? सही है सर। ओके, अब देखिए पर्पल बॉक्स एक ऐसी कंपनी जो खुलने के बाद उसने आज तक टैक्स दिया ही नहीं क्योंकि लॉस में ही थी, कभी उस पर टैक्स चार्ज हुआ ही नहीं। यह एक ऐसी कंपनी जो अभी नई नई खुली है और उसको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है यानी चार्जेबल होने वाली है, एचएमआरसी को कैसे पता चलेगा? तो एचएमआरसी जो है ना ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स बना के देता है कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा वगैरह वगैरह, तो उसको पहले से फोरकास्ट पता होनी चाहिए कि कितना टैक्स आने वाला है। तो इन्होंने एक रूल लगाया है कि जो कंपनी कभी भी पहले चार्जेबल नहीं थी और अब वो चार्जेबल हो रही है, पहली मरतबा टैक्स देने जा रही है, तो उसको ये जरूरी है कि वो ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने के अंदर अंदर एचएमआरसी को नोटिफाई कर दे कि ए एचएमआरसी मैं भी हुआ, मैं हूं, अपुन आ रहा है तेरे पास टैक्स देने को, एचएमआरसी सुन ले मैं आऊंगा, मैं हूं। तो ये होशियारी भी करनी है। गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ आती है बेटा? यस सर। इसके बाद आते हैं IXBRL। IXBRL समझना है ना बड़ा आसान है। आप पाकिस्तान में हैं, कभी डिवेग हो गए हैं मेडिकल दवाई लेने?
यस इम्तियाज गए हैं कभी राशन लेने? जी तो जब हम इम्तियाज का बिल कभी गौर से देखे, उसमें एक नीचे लिखा होता है POS चार्ज 1 रुपी, 1 रुपया POS चार्ज जी होता है, ये क्या होता है? सर, पॉइंट ऑफ सेल्स चार्ज होता है ना। आपने कभी उनसे पूछा केड़ा पॉइंट ऑफ सेल? भाई मशीन तुम्हारी, तुम बिजनेस कर रहे हो, नफा ले रहे हो, रुपया मुझसे क्यों ले रहे हो? कभी पूछा? तो वो FBR को जाता है ना। हाँ, FBR, पाकिस्तान में HMRC नहीं है, पाकिस्तान में FBR है। हम गवर्नमेंट को 1 रुपया क्यों देते हैं भाई? यानी HMRC को, पाकिस्तान की HMRC को क्यों देते हैं 1 रुपया? दिमाग खराब है हमारा, क्यों चार्ज करते हैं वो हमसे? व्हाई? क्या पता नहीं। ये ही आपको आज हम बताएगा, IXBRL यही समझना है, इसी से समझ आएगा। देखो भाई, चोरी चपाटी, 2 नंबरी, फ्रॉड, अंडर इनवाइसिंग, जाली बिल, कच्चा बिल, पक्का बिल, ये सब चलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी POS मशीन है ना, उन सबको ताड़ लिया। गवर्नमेंट ने नजर रखी, सारी की सारी POS मशीन को हमारे साथ इंटीग्रेट कर दो। टिक 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 हो रहा है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जा रहा है। गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है? रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जा रहा है। इम्तियाज को बताना नहीं पड़ेगा, देवेगो को बताना नहीं पड़ेगा, लुलु हाइपरमार्केट को दुबई में बताना नहीं पड़ेगा कि भाईजान कितनी सेल हुई और वैट जो मैंने निकाल के दिया है सही है नहीं। वो ऑटोमेटिक पीछे सारा चक्कर चल रहा है, डेटा ऑटोमेटिकली फ्लोट हो रहा है, POS मशीन से डेटा उठ रहा है, और FBR, HMRC, दुबई की गवर्नमेंट के सिस्टम्स में डेटा इंटीग्रेटेड है, API कनेक्टेड है, डेटा वहां गिर रहा है। जब लुलु वाला, फूड पांडा वाला, हाइपर पांडा वाला, या इम्तियाज या डिवेगो अपनी सेल रिपोर्ट करेगा और अपना टैक्स बताएगा, तो गवर्नमेंट को सिर्फ क्रॉस चेक करना है, अपनी तरफ नजर मारनी है, कितना आ रहा है सिस्टम में, 1 मिलियन, ये कितना दे रहा है? 1 मिलियन, सुभान अल्लाह, ही इज गुड मैन। ये कितना दे रहा है? 1.5 मिलियन, ले लो आने दो। ये कितना दे रहा है? 50 लाख, ये चोर है, पकड़ो। तो ये इंटीग्रेशन जादू, हाजा जादू। ये कैसे इंटीग्रेट हुआ हुआ है? तो यूके में इन्होंने एक लैंग्वेज, एक प्रोग्राम बनाया जिसने HMRC के सिस्टम्स, जो कि एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होंगे, एक अलग प्रोटोकॉल पे होंगे, वो प्रोग्राम्स हैं। ट्रेडर्स के अपने प्रोग्राम्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पे चल रहे होंगे, ओरिकल पे चल रहे होंगे, सैप पे चल रहे होंगे। इन दोनों को बीच में आपस में जोड़ेगा कौन? उसकी जबान कुछ और है, इसकी जबान कुछ और है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिफरेंट फॉर बोथ सिस्टम्स। कौन जोड़ेगा? जोड़ने वाले का नाम है IXBRL। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पूरा नाम तो बताओ, तो मैं कहता हूँ ये पूरा नाम तेरे से 2 मार्क का थोड़ी पूछेगा, लेकिन फिर भी इनलाइन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर दो प्रोग्राम्स को, कंपनी के सॉफ्टवेयर को और HMRC के सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ती है और सारा डेटा ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देती है, टैगिंग कर देती है, कन्वर्ट कर देती है सॉफ्टवेयर की ग्लिचेस और डिफरेंसेस को। इस जबान को कहते हैं IXBRL। कोई तकलीफ? अब आपको क्लियर। पता है कि ये 1 रुपया जो आप पाकिस्तान में देते हो, ये क्यों देते हो? ये वो चार्ज देते हो सॉफ्टवेयर का, जो POS के सॉफ्टवेयर और पाकिस्तान में जो चल रहा है ना FBR के पास, उसका नाम आयरिस होता है, उसका नाम आयरिस है, और POS पे आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स ही चल रहा होता है। तो इसको कनेक्ट करती है ये लैंग्वेज, पाकिस्तान में कोई और होगी, लेकिन यूके में जो लैंग्वेज है उसका नाम है IXBRL। ओके सर, ओके रिटर्न बहुत हो गया, आप पेमेंट कब कराएंगे? तो बेटा, कंपनी टैक्स कैसे पे करती है, कब पे करती है? आप पेमेंट पे आ गए, ठीक है, रिटर्न खत्म, पेमेंट शुरू। कंपनी कब कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेगी? पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी।
19% लगा के जो लायबिलिटी निकालते थे ना, वो पे कब होगी? तो इसका जवाब है कि पहले आप हमें ये बताइए कि कंपनी क्या लार्ज है? ये क्या आ गया सर? तो ये अभी आपको निकाल पता करना पड़ेगा, ये लार्ज कंपनी है कि नॉट आ लार्ज कंपनी है। ये आपको अभी मैं थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, बस अभी समझो ये लिखा हुआ है पेपर में। क्वेश्चन में वैसे होगा नहीं, पेपर में आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा थोड़ी देर बाद। कंपनी या तो बड़ी कंपनी है, छोटी नहीं होती, बड़ी है या बड़ी नहीं है, बस ये ऐसे ही है भाई, यही अल्फाज हैं, अब क्या करें, लॉ है ना। पहले बात करते हैं, जो कंपनी बड़ी नहीं होती, नॉट अ लार्ज, वो कब टैक्स पे करती है? तो ये लिखा हुआ है देखो, 9 महीने पूरे करके जो 10वें महीने का पहला दिन होता है, उस दिन पे करती है। बात समझ आई? यस सर, 9 महीने पूरे करने के बाद जो 10वें महीने का पहला दिन होता है, उस दिन एक नॉट अ लार्ज कंपनी टैक्स पे करती है। गॉट माई पॉइंट और नो? समझ गया। अब मिसाल है, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। एक कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। आप मुझे दो डेट्स बताएंगे, रिटर्न कब तक जमा करवाने की मोहलत है और पेमेंट कब करनी है। सर रिटर्न तो आपने बताया है ना, 31 31 दिसंबर, 31 बाईस की जगह 23 कर दो, खलास। पेमेंट 9 महीने गिनो जरा, नौ महीने पूरे कर, सितंबर महीना अक्टूबर कौन सा होगा? अक्टूबर 1 अक्टूबर महीने का पहला दिन या 9 महीने एंड करने के बाद 10वें महीने का पहला दिन ही हुआ ना, ठीक है? तो सही। उसको यूं याद रख लो, 10वें महीने का पहला दिन। लेकिन पेपर में जब लिखोगे ना, तो आप 10वें महीने का पहला दिन नहीं लिखना, आप ये जो बोल्ड किया है ना मैंने, ये ऐसे ही लिखना होता है, 9 months एंड अ डे आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अगर आप लिखोगे ना 10th month, फर्स्ट डेट ऑफ द 10th month, तो ये मजा नहीं आएगा, लॉ में ये डेट नहीं है। लॉ में जिस तरह से लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 9 months एंड अ डे, तो यहाँ पे आपको इसी तरह लिखनी है। अगर थ्योरी में पूछे तो इसी तरह लिखनी है, 9 months एंड अ डे। और याद रखने के लिए पाकिस्तानी दिमाग, एशियन दिमाग क्या कहेगा, 10वें महीने का पहली तारीख। राइट और रॉन्ग? राइट और नॉट अ लार्ज कंपनी वन ऑफ पेमेंट करती है, वन ऑफ बोले तो यकमुश्त, एक साथ, यल खलास, वन टाइम पेमेंट, खलास, नो टुकड़ा बटका, नो इंस्टॉलमेंट। गॉट माई पॉइंट? लार्ज कंपनी इंस्टॉलमेंट में पे करती है, कितने पे करती है इंस्टॉलमेंट में और कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं? मैक्सिमम चार। कितनी होती हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 4। चलिए, मैक्सिमम चार का मतलब चार से कम हो सकती है, तो जी हाँ, चार से कम हो सकती हैं, ठीक है। वो कैसे हो सकती है, वो हम आपको आगे वक्त के साथ आप खुद देखेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट होंगी, यहां तक में मसला। क्लियर अब ये कैसे इंस्टॉलमेंट होंगी, जरा ये आपको हम सिखाते हैं। एक कंपनी है, उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। अब ये नॉट अ लार्ज नहीं, ये लार्ज कंपनी है, ठीक है। हमने चाइना चाइनीज वॉल बीच में बना दी है, सेपरेट दीवार बना दी, वो खत्म, ये अब शुरू। जब भी लार्ज कंपनी की डेट निकालोगे ना, पेमेंट की, रिटर्न की बात नहीं कर रहा मैं, रिटर्न तो इसका भी वही होगा ना, रिटर्न कब जमा होगा इसका? 31 दिसंबर 23। रिटर्न में कोई मसला नहीं है, सिर्फ फर्क कहाँ है, पेमेंट में। जब भी पेमेंट निकालो ना, तो ईयर को खोल के लिखना, पहले पूरा ईयर लिखना इस तरह से जिस तरह मैंने लिखा है। गॉट माई पॉइंट? सातवां यस सर, महीना कौन सा है?
पहली इंस्टॉलमेंट जुलाई अगले का। महीने को पे होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7वें महीने को पे की जाएगी, फिर हर 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट होगी। क्या बोला मैंने? पहली इंस्टॉलमेंट 7वें महीने पे और फिर बाकी की 3-3 महीने के बाद। 3-3 महीने के बाद। हाँ, बाद का लफ्ज बड़ा खतरनाक है। अब 7वां महीना कौन सा पड़ता है? सही जुलाई का है, डेट फिक्स है 14th, 14th फेब भी होती है, राइट? इससे याद रखो 14th। चलो भाई 14th ऑफ जुलाई ना, चलो बाकी मान लेते हैं। 7वां महीना जुलाई में पड़ता है, कौन सा साल? 23। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, ये खोल के इसीलिए लिखवाया था, ये 7वां महीना काउंट होता है ईयर के स्टार्टिंग से, नॉट एट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। कैसा जादू है, कैसा? हम क्यों, कहाँ, कैसे, केड़ो ये नहीं करते। हम बोलते अच्छा ऐसे, ओके सर, डन, खलास, ऐसे ही करेंगे। सुभान अल्लाह। ईयर का मैंने खोल के इसीलिए लिखवाया बेटा कि उधर एंड के बाद 9वां महीने का 10वें महीने का पहला दिन था, आफ्टर एंड, आफ्टर ईयर एंड था। यहाँ यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 2022 को जाएगी, राइट और रॉन्ग? राइट। अब 3-3 महीने के बाद जुलाई हो गया ना, जुलाई को दोबारा तो नहीं गिनोगे ना, नहीं, तो अब कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर। अरे अब देखो, 30वां महीना जुलाई हो गया ना, अगस्त, सितंबर, तीसरा महीना कौन सा पड़ा? अब अक्टूबर अक्टूबर फोर्टीन। पड़ा। अक्टूबर क्या, 23, सॉरी 22। 22 ये तीसरा महीना कौन सा पड़ा? अक्टूबर आ चुका है, छोड़ जनवरी दो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी एक दिया महीना, उस महीने को खल्ली वल्ली करा दो, उस महीने को नहीं देखो। जनवरी 23, और फिर जनवरी छोड़ो, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। ये हो गया भाई आपके पास सेटअप कि किस तरह से एक लार्ज कंपनी जो है वो अपना सेटिंग बिठाएगी। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अभी तक समझ आपको गया। नहीं पता कि लार्ज कंपनी होती क्या है, नॉट अ लार्ज कंपनी होती क्या है। अभी सिर्फ आपको बताएं कि इनके रिटर्न्स सेम तरीके पे, सेम फॉर्मूले पे हैं, पेमेंट उसकी वन ऑफ है, और इसकी 4 इंस्टॉलमेंट में, पहले इंस्टॉलमेंट 7वें महीने पे, और फिर 3-3 महीने से इंस्टॉलमेंट चलती है, और ईयर के स्टार्ट से इंस्टॉलमेंट चल रही होती है, राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, अब सर ये लार्ज कंपनी नॉट अ लार्ज कंपनी होती क्या, ये तो बताओ, तभी हम बताएंगे। एक लिमिट है, ऑगमेंटन की गोली खाई है कभी? बस यस। इसको इससे याद रखना, ऑगमेंटेड प्रॉफिट का एक चीज है, अगर आपकी कंपनी का एपी ऑगमेंटेड प्रॉफिट 15 लाख से ऊपर है तो यू आर अ लार्ज कंपनी, और ऑगमेंटेड प्रॉफिट अगर 15 लाख से नीचे है तो नॉट अ लार्ज कंपनी। ये बात समझ आती है समझ गया। सर? ये ऑगमेंटेड प्रॉफिट अभी तक तो हमने नहीं निकाला, अभी तक क्या निकालने सीखा है आपने सर? हमने टीटीपी निकालने सीखा है। अच्छा भाई, टीटीपी आता है ना, टीटीपी में यस। डिविडेंड को ऐड करना है, ऐड करना है डिविडेंड को, टैक्स लगाते वक्त डिविडेंड एग्जेम्प्ट था,
टैक्स लगाते वक्त डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, टीटीपी में डिविडेंड नहीं आता और टैक्स टीटीपी पे लगता है, राइट। जी ऑगमेंटेड प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगता, ऑगमेंटेड प्रॉफिट से सिर्फ ये पता चलता है कि कंपनी लार्ज है कि नॉट अ लार्ज है, बात समझ आ रही है। सही है। डिविडेंड यहाँ ऐड होगा, एपी आ जाएगा। डिविडेंड कौन सा? तो नॉन ग्रुप। देखो एक होता है पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप ना, आपने F7 दिया हुआ? नहीं F1 नहीं दिया ना, ओके तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। F3 दिया हुआ है, जी पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है, 51% वाली कंपनी हमारी सब्सिडरी होती है। याद रखना यहाँ पे कौन सा डिविडेंड आएगा जो सब्सिडरी से नहीं मिलेगा, जो सब्सिडी से नहीं मिलेगा वो डिविडेंड जो गैर सब्सिडरी अदर देन सब्सिडरी से मिले वो आएगा। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर एसोसिएट वाला आएगा, तो बेटा मैंने किसका मना किया, मैंने किसका मना किया, कौन सा नहीं लेना, सिर्फ सब्सिडरी का डिविडेंड यहाँ नहीं लेना, एसोसिएट का तो मना नहीं किया ना, जी सही है। और टैक्स में एसोसिएट नाम की कोई बला होती ही नहीं है, टैक्स में या तो 51% ग्रुप होता है या नहीं होता। अगर आपकी किसी कंपनी में होल्डिंग 51% ऊपर जितनी भी चली जाए है तो वो आपकी ग्रुप मेंबर है, और ग्रुप मेंबर का डिविडेंड यहाँ पे नहीं आएगा, नॉन ग्रुप का आएगा, 3rd% सिर्फ का पेरेंट आएगा। कंपनी का आएगा, हाँ सिर्फ पेरेंट कंपनी का आएगा। नहीं, मुझे, मैं पेरेंट हूं ना, मुझे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन नॉन ग्रुप कंपनी का, यानी जो मेरी सब्सिडी ना हो, सही यानी मैंने किसी कंपनी में 5% शेयर्स दिए हैं तो क्या ये मेरी सब्सिडी होगी? नहीं वो मुझे डिविडेंड दे, मैं यहाँ पे लूंगा। सही एक कंपनी है मेरे 49% शेयर्स हैं, वो मुझे डिविडेंड दे रही है, क्या ये मेरी सब्सिडी है? तो नहीं है उसका डिविडेंड मैं लूंगा। एक कंपनी है मेरे 51% होल्डिंग है और वो मुझे डिविडेंड ले दे रही है, उसका डिविडेंड नहीं लेंगे हल्ली वल्ली नहीं लेंगे, राइट और रॉन्ग? राइट ये बात समझ आती है बेटा? समझ गया। कॉपी हो गया। अब देखिए एक ईयर एंड है, 31 दिसंबर 2023, टीटीपी है 16 लाख, डिविडेंड है जी ग्रुप मेंबर ग्रुप वाली कंपनी से मिला है 1 लाख का, और नॉन ग्रुप वाली कंपनी से मिला है 2 लाख का, ठीक है। ठीक हो गया, आपने, आपको समझो कि इस तरह का वो बना हुआ है, आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करना है और पूछा है उसने, एक ऑप्शन है लार्ज, एक है नॉट अ लार्ज, दो ही हो सकती है, तीसरे चौथे कोई भी ऑप्शन हो वो गलत ही होंगे, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ लार्ज एंड नॉट अ लार्ज है। एक और भी होती है वेरी लार्ज कंपनी, वेरी लार्ज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो ATX का हिस्सा है, ठीक है। चलो भाई, तो सही है। पहले क्या करना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा ना, एपी कैसे निकालेंगे, टीटीपी 15 लाख, डिविडेंड कौन सा लो मेरे भाई, नॉन ग्रुप 2 लाख ले लूं, यस नॉन ग्रुप ही लेना है, 17 लाख हो गया। एपी 15 लाख से क्या हो रहा है, तो ज्यादा ये आंसर क्या हुआ, लार्ज यहां तक कोई तकलीफ? क्लियर है।
कॉपी कर लिया। जी सर, कॉपी हो गया। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, आप बता सकते हैं अब ये कौन सी कंपनी है? नॉट अ लार्ज कंपनी। ये ना एपी की लिमिट। और ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके अंदर आप बोलेंगे कि ये यहाँ फॉल कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है? नॉट अ लार्ज, करेक्ट। 12 लाख नीचे है ना 15 से, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। ये कॉपी कीजिएगा। मैं क्वेश्चन में एक छोटा सा नाजुक सा नन्ना मुन्ना सा चेंज करने वाला हूं, और ये नन्ना मुन्ना चेंज बहुत ही खतरनाक चेंज होगा, देखिएगा। मैं कहता हूं कंपनी पीरियड एंड कर रही है 31 मार्च 2023 को, और ये 3 मंथ्स का पीरियड एंड कर रही है। कितने मंथ्स का पीरियड एंड कर रही है? जस्ट 3 मंथ्स का। तो क्या सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा वही फर्क तो पड़ाना है। ये फर्क ही तो पड़ाना है कि जब कंपनी का पीरियड 12 महीने से कम हो जाए, कंपनी का पीरियड 12 महीने से कम हो जाए, तो एपी की रेंज जो है वो भी मंथ अपोर्शन हो जाती है। यानी ये जो 15 लाख है ना, ये पर एनम है, साल की लिमिट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ईयर एंड नहीं है, साल से कम का पीरियड एंड है, तो फिर क्या होगा? आपकी ये लिमिट भी जो है वो प्रोरेट हो जाएगी। कितना आएगा इसका आंसर? क्या आंसर आएगा? 375। 375। यानी अब जो लिमिट देखी जाएगी वो 375 देखी जाएगी, ना के 15 लाख। अब इसका एपी कितना है? अब इसका एपी कितना है? सुभान 12 लाख। अल्लाह, क्या बोलेंगे? इसका लार्ज कंपनी, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आपको ये रूल ना पता हो तो आप इसको नोट अलार्ज करके वन ऑफ पेमेंट और डेट निकाल दोगे ये वाली, इस हिसाब से, और कहानी तबाह हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि 12 से कम का पीरियड हो तो एपी की रेंज, एपी के महीने बदल जाते हैं। यहाँ पे एक बच्चा आता है, एक तरह का बच्चा आता है, वो सवाल करता है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना। सर अगर ये 12 महीने से ज्यादा का होगा तो एपी के साथ क्या होगा? क्या जवाब देंगे उसको? अगर मिसाल है सर 15 महीने का होगा तो? सर तो दो पीरियड्स बनेंगे, एक 12 महीने का, बाकी 3 महीने का। बिल्कुल सही। अब मैं इसको अपने स्टाइल में बताऊं कि सर 12 से ऊपर का पीरियड कंपनी में बनाना हराम था, आप ही ने तो पढ़ाया है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 12 अलग, रिमेनिंग अलग।
तो 12 से ऊपर का तो एपी होगा ही नहीं, 12 से कम का हो सकता है। अगर 15 महीने का भी पीरियड है ना सर, तो हम 12 अलग करेंगे, 12 अलग करेंगे, उसकी वर्किंग अलग करेंगे और उसका एपी अलग हो जाएगा, रिमेनिंग 3 महीने अलग होंगे और उसका एपी इस तरह से होगा। 12 से ऊपर का पीरियड की तो सर इकट्ठी वर्किंग कंपनी में होती ही नहीं है, तो दैट सवाल इज नॉट गोइंग टू कम इन द पेपर। अगर आ भी जाएगा तो आपको तरीका मालूम है, 12 अलग और रिमेनिंग अलग करने होते हैं। गॉट माई पॉइंट? यस सर। कॉपी कीजिएगा प्लीज। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग बात है। अब हमें यह पता है कि 12 महीने से कम का होगा तो एपी की लिमिट जो है वो मंथ के हिसाब से प्रोवाइड हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो पता है क्या है, वो है ग्रुप ऑफ कंपनी। हम अगर पेरेंट हो और हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी आ जाए, हम पेरेंट हो हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी आ जाए तो उसको ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलते हैं। याद रखिएगा टैक्स में ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 51% है। मोर देन 50 का मतलब होता है 51 एंड अबव, 51 एंड अबव, 51 एंड अबव वाली कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती हैं। अब कैसे होता है इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इसका एपी पे क्या असर है। देखो एपी से डिसाइड होता है ना कि आप लार्ज कंपनी हो कि नॉट अ लार्ज कंपनी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट अब आप लार्ज कंपनी है तो इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करेंगे, नॉट अ लार्ज है तो वन शॉट 10वें महीने के पहले दिन या 9 महीने पूरे होने के बाद जो अगला पहली तारीख आएगी, 10वें महीने की पहली तारीख, उस तारीख को आप टैक्स पे करेंगे, वी आर अवेयर ऑफ। अगर हम कंपनी की आइडेंटिफिकेशन ही सही ना कर पाए तो हम कभी भी लार्ज कंपनी और नॉट अ लार्ज कंपनी अगर सही आइडेंटिफाई ना कर पाए तो कभी भी हम पेमेंट सही तरह से नहीं निकाल पाएंगे, राइट? राइट अब हमें यह पता है कि अगर ईयर एंड ना हो, 3 महीने 4 महीने का पीरियड एंड हो, तो एपी की लिमिट जो है वो मंथ के हिसाब से भी अपोर्शन होती है, और हमने लास्ट उसमें देखा हुआ भी है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ग्रुप है, मैं स्टेशनरी हूं, मैं कौन हूं? स्टेशनरी। 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज को आपने ढूंढना है, 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज जो डायरेक्टली मैंने खरीदी हुई है ना उनको कहते हैं डायरेक्ट होल्डिंग, और जो किसी के वास्ते से किसी के जरिए से मैंने खरीदी हुई है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट होल्डिंग। इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखना। मैंने 51% एंड अबव को ढूंढना है, क्या रूलर मेरी है, यस पेंसिल मेरी है, यस स्टेपलर भी मेरी है, रबर यस भी अपनी है, ये सबको मैंने ओके क्यों कर दिया? क्योंकि सब में सर परसेंटेज 51 एंड अबव नजर आ रही है, राइट और रॉन्ग? राइट सर मसला ये है कि बताओ पेन मेरी है कि नहीं है, तो पेन कैसे निकाले? एन भी देखो आपकी है। स्टेशनरी ने रूलर को खरीदा, रूलर ने पेन को खरीदा, 90% और 90 और आगे आ गया 55। अब ये मैंने देखना है कि भाई स्टेशनरी का पेन में कितना इंटरेस्ट है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव होल्डिंग। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव इफेक्टिव होल्डिंग होल्डिंग कैसे निकालते हैं? दोनों परसेंटेजेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 0 पॉइंट करके, परसेंटेज के पर हटा के कितना आता है देखना। जीरो पॉइंट नाइन इंटू 55 कितना होता है?49.5। मेरी इनडायरेक्ट होल्डिंग जरूर है लेकिन ये मेरे ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगी, पैन आउट हो गई। क्यों आउट हो गई भाई? क्योंकि बिल्कुल इसकी 51% से कम है। सही, बिल्कुल सही। उसके बाद फाउंटेन के बारे में क्या ख्याल आते मुबारक हैं?
फाउंटेन में कैसे होगा? स्टेशनरी का पेंसिल और पेंसिल का फाउंटेन, इसका 100 है और उसका भी 100 है, सुभान अल्लाह। डायरेक्ट डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या आता है, 100 ही आता है ना इफेक्टिव कि नहीं? यस इसका मतलब फाउंटेन भी अपनी है, जिनको येलो किया ये होल्डिंग वाइज ओके लग रही है, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट लेकिन सिर्फ होल्डिंग ही नहीं देखनी होती। अब इनके बारे में कुछ ख्यालात हैं। स्टेपलर ओवरसीज कंपनी है, ओवरसीज ग्रुप का मेंबर हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओवरसीज कंपनी माइट बी, कैन बी माइट बी नहीं, कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, सो नो प्रॉब्लम। स्टेपलर अगर परसेंटेज में ओके तो अपनी हो गई, चलो भाई डन हो गया, ग्रीन कर दिया, मतलब ये तो अपनी है। फिर रबर के बारे में क्या लिखा हुआ है? रबर एक डोरमेंट कंपनी है। रबर भाई क्या है? डोरमेंट, डोरमेंट रूल है, इफेक्टिव होल्डिंग है, लेकिन अगर कंपनी डोरमेंट है यानी एक्टिव नहीं है तो वो कभी भी ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकती। डोरमेंट कंपनी के नेवर 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 बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट माय पॉइंट और नो? यस इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और लाइन लिखी हुई है, रबर लिमिटेड को कब खरीदा? रबर को कब खरीदा? मार्च 22। मेरा रिक्वायरमेंट टीटीपी जिस साल का या टैक्स जिस साल का मैं पे कर रहा हूं वो भी कौन सा ईयर है? 22-23 याद रखना, कंपनी एक साल से पुरानी होनी चाहिए। इसको आसान जबान में यूं याद रखना, जिस साल के लिए वर्किंग कर रहे हो ना, अगर कंपनी उस साल खरीदी जाएगी तो ग्रुप में नहीं लेंगे, नेक्स्ट ईयर से लेंगे। एक ईयर एंड गुजारने के बाद, एक साल पूरा होना मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक ईयर एंड गुजारने के बाद कंपनी ग्रुप का मेंबर बनती है, इससे पहले ग्रुप का मेंबर नहीं बनती। बात समझ आ रही है? समझ गया। तो इसमें अब मुझे बताइए, रबड़ के बारे में क्या ख्याल है आपके? रबर इसी साल खरीदी गई है जिस एरेंट पे खड़े हो, जिस एरेंट की वर्किंग कर रहे हो, क्या रबर इसी साल में खरीदी गई है कि नहीं? सर रबर का लिखा हुआ नहीं है। ये मैंने हाईलाइट किया ना बेटा, सॉरी अच्छा हाँ सही है। फाउंटेन, रबर नहीं फाउंटेन, सॉरी 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 फाउंटेन, में रबर के दिया फाउंटेन, इस साल खरीदी है कि नहीं? सर ये इस साल, साल खरीदी है। ये साल सर अगर आप पूरा लिख दें तो हमें आसानी हो जाएगी। चले भाई पूरा लिख देते, रबर नहीं फाउंटेन, 1 अप्रैल 2021, क्या इसी ईयर एंड में खरीदी है? यस। यस ऑल्दो इफेक्टिव होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये इसका पहला साल है इसलिए हमने इसको कटा दिया, खल्ली वल्ली कर दिया, क्योंकि एक ईयर एंड गुजारने के बाद यानी अब 2023 आएगा ना, उसमें फाउंटेन हिस्सा बनेगी ग्रुप का, लेकिन अभी नहीं बन सकती। तो हम एक हैं स्टेशनरी, हमारी कितनी हो गई? हम एक, हमारी 3, बाकी तो सब कट कट आ गई ना, यानी सही। स्टेशनरी, रूलर, पेंसिल और स्टेपलर, राइट? हम एक, हमारी यस 3 मिलके कितने हो गए? हम एक, हमारी 3 कितने हुए? 4। 4। पता है क्या होगा, ये एपी की लिमिटेड है, एपी है, इसके ऊपर चले जाओ तो लार्ज कंपनी होती है, इसके नीचे जाओ तो नॉट अ लार्ज होती है, ये लिमिट। हम एक, हमारी 3 हो गए 4, 4 से डिवाइड होकर लिमिट निकल आएगी कितनी? यानी इस क्वेश्चन में
अगर 5 लाख से ऊपर एपी आएगा स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी विल बी अ लार्ज कंपनी, अदरवाइज इज गोइंग टू बी अ नॉट अ लार्ज कंपनी. गॉट माय पॉइंट? समझिए। तो लिख लीजिएगा, लिख दिया होगा. लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से. फ्लावर का ग्रुप है, फूलों का ग्रुप. कंपनी है फ्लावर ग्रुप. हम तो फ्लावर है ना भाई. ईयर एंड कौन सा मेरे दोस्त? 31 मार्च 22। ओवरसीज कंपनी तो ग्रुप में आती है, गवर्नमेंट कंपनी खल्ली वल्ली कर देते हैं. इसी साल डोरमेंट है ना. हाँ, ये ना हो पिछले साल डोरमेंट और आप खल्ली वल्ली कर दो, इस साल डोरमेंट होनी चाहिए. तो कौन सी डोरमेंट है भाई? डेफोडल डोरमेंट है. डेफोडल को हटाओ. करेक्ट, यस। परसेंटेज ज्यादा है लेकिन हटा दिया. अब मैं देखता हूं तो रोज हो सकता है, डेजी हो सकता है, ट्यूलिप हो सकता है और बटरकप भी हो सकता है. हमने क्वेश्चन पढ़ा ओवरसीज है, कोई बात नहीं, आ सकता है. कब खरीदी? 1 अगस्त 2000 कब? 2020 हमारा ईयर एंड में कि इससे पहले? ईयर इससे पहले एंड से पहले खरीदी, यानी ये 1 साल पूरा कर चुकी. यस। यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 है, और 100 × 100 100 ही होता है. तो फ्लावर 1 है, हम 1, हमारी कितनी? सुभान चार अल्लाह, 4 ही जायज है ना. हम 1, हमारी 4, कितने हो गए? पांच मिल मिला के ग्रुप बन गया 5 का. एपी जो 15 लाख था वो 5 से डिवाइड होके क्या आंसर देगा? तीन लाख यहां तक तो कोई तकलीफ है? क्लियर है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. अब हम आपको डेट्स वगैरह तो पढ़ा चुके थे कि ईयर के स्टार्ट से 7वें महीने पे पहली इंस्टॉलमेंट होती है लार्ज कंपनी के लिए, फिर 3-3 महीने से इंस्टॉलमेंट चलती है, याद है? यस अब हम आपको कुछ और बताएंगे. ऐसी कंपनी जिसका शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड हो, ऐसी कंपनी जिसका शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड हो यानी 12 से कम का हो, तो उसके साथ क्या होगा? अभी हम उसको सीखने वाले हैं. क्वेश्चन से डायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे. ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ठीक समझ आ गया तो मिक्स नहीं करना, तो ये बड़ा आसान रहेगा. ठीक है, ये कंपनी है. अब देखो, लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड है ना. यस ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अज्यूम कि ये एक लार्ज कंपनी है. ये क्या है? लार्ज कंपनी लार्ज कंपनी है, ये आपको मैंने बता दिया. अगर नहीं भी बताता ना तो आपको पता है. पता है कैसे? आप मुझे बताओ, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी 8 लाख है, इसका मतलब टीटीपी कितना होगा? रिवर्स वर्किंग करके टीटीपी निकाल सकते हो? आपको जब यस 19% लगाते हैं तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आती है. 8 लाख डिवाइडेड बाई 0.9 करना. ना जाता है कितना से डिवाइड बाय 0.19 या 0.9 19 19 4,410,526 4210526. करेक्ट. यस। कोई डिविडेंड है क्या? नहीं डिविडेंड कौन सा लेना होता है? नॉन ग्रुप का, याद है ना? जी
वो है नहीं, तो एपी कितना आ गया, 4210526 विच इज मल्टीप्लाई बाय 8 में कितना आएगा,2807017 2807। जीरो वन सेवन ऑब्वियसली कंपनी कहाँ फॉल कर गई, ऊपर ही फॉल कर गई है, राइट और रॉन्ग। तो राइट ये खाली मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये रिवर्स में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। 8 लाख की अमाउंट देख के हमें आइडिया हो गया कि जब टैक्स 8 लाख का है तो ऑब्वियसली इस कंपनी का बहुत ज्यादा ही जो है वो एपी आ रहा हो और टीटीपी आ रहा होगा। ठीक हो गया, अगर ध्यान से देखना, हमें पता है लार्ज कंपनी को टैक्स कैसे देना होता है, कितनी इंस्टॉलमेंट होती है, 4। ठीक चार है, कंपनी का ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2021। सर ये ईयर एंड नहीं है, ये 8 मंथ है। तो शुरू कब हुआ होगा बेटा, अप्रैल में दोबारा देखो, अप्रैल में होगा तो 9 महीने हो जाएंगे ना। चेक करो जरा मई से गिन के, ठीक मई में है, ये आ गया। जो कंपनी लार्ज होती है वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पे कर रही होती है, 4। और मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कि इंस्टॉलमेंट साल का जो स्टार्टिंग होता है वहां से काउंट होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करते हैं, 7 मंथ्स बाद, 7 मंथ कौन सा आएगा, सेवन नवंबर मंथ, यानी अगर मैं गिनूं तो मई से जो 7वां महीना आता है वो, बिल्कुल सही कहा आपने, नवंबर आता है। डेट क्या लिखते हैं, 14 नवंबर जी 8 लाख को अगर 4 डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे वैसे है, बात सुनो, हम वैसे करते थे 4 से डिवाइड जब ईयर एंड होता था। ठीक है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपके पास सवाल ऐसा है ना जिसमें साल से कम का हो, तो आपने पता है क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई बाय 3/12 करना है। बात वही है, बात वही है, 1/4 करो या 3/12 करो, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। क्या नहीं, आंसर आएगा, 3 लाख हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/12। अब डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं कर सकते, क्या क्योंकि 8 महीने आंसर आएगा, 3 लाख आ जाएगा। क्या फर्क सीखने को मिला कि सर आप जब ईयर एंड होता था ना तो आप क्या करते थे, पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालते वक्त आप 1/4 करते थे। जब ईयर एंड होता था तो 4 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट चारों की सेम होती थी, लेकिन आप सजेस्ट करते हैं कि जब हमारे पास शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा तो आपने 1/4 नहीं करना है। 1/4 इज ओनली रिकमेंडेड जबकि क्वेश्चन ईयर एंड का हो, जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं। अगर ईयर एंड का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपने मंथ्स पे काम करना है, और 3 मंथ्स तो रहेगा, डिवाइड हो जाएगा 12 की जगह पे, यहाँ पे 8 है तो 8 से, बात समझ आई है। सेकंड समझिए इसका सर, एक सवाल है जी, सर, जैसे ये था 1/4, तो हमने इसको 3/12 करके लिखा, तो अगर लेट्स से कि अगर 1/5 होता तो फिर इसको डिनोमिनेटर को 12 में कैसे कन्वर्ट करते? डिनोमिनेटर 12 नहीं होगा ना, ये सिर्फ ईयर एंड के लिए है, ये वर्किंग सिर्फ ईयर एंड के लिए। जब भी शॉर्ट पीरियड होगा तो फिर वर्किंग डिनोमिनेटर जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे, जितने मंथ्स का उसने पीरियड एंड दिया होगा, 12 कभी भी नहीं होगा। सही आप मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट बता सकते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की होगी
14 जनवरी 2021। क्या रूल था हमारे पास? हाँ सातवें पे फिर तीन तीन महीने पे ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी हो गया, तो क्या आएगी डेट? सही फेब्रुअरी। है, वो तीसरा महीना नहीं लिखना होता, 3 महीने के बाद वाली डेट होती है। ठीक है, फिर सही। उसके बाद वाली डेट क्या आएगी? 14 फेब के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक हो गए, क्या आएगी बताना? मई। ठीक है, देखो ये कैसे आता है इसको याद कर लो। नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये आ गया फरवरी, सही हो गया। सही। और फिर फरवरी मार्च और कौन सा अप्रैल तो फिर मई आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? ठीक है, अमाउंट कैसे आएगी? यहां भी वही आ जाएगी, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। यहाँ भी वही आ जाएगी, ध्यान से देख के बताना क्या टेक्निकल फॉल्ट दिख रहा है। पता नहीं। हमारा टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 8 लाख। और ये जो मैंने नंबर्स डाले, इनका टोटल कितना बन रहा है? नौ लाख ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं। क्या मसला दिख रहा है, आप बताओ मसला दिख रहा है? तो ओवरलैपिंग वो आ रही है। ओवरलैपिंग, एक तरह से आपने बिल्कुल अपने हिसाब से सही नाम रखा कि एक तरह से ओवरलैपिंग आ रही है, मतलब ये 8 लाख का 9 लाख हो गया। यहाँ ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग का कोई चक्कर नहीं होता, वो सिर्फ बेसिस पीरियड में होता है। इसका मतलब क्या हुआ पता? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर कर देना है, यानी 3 लाख हटा के कितना बैलेंस रहेगी? 8, टोटल 8 लाख बनाने, ना टोटल कितना होना चाहिए? 8 लाख। तो इंस्टॉलमेंट 3 लाख के हिसाब से चली, तो 3, 3, 6 और 3, 9 हो जाती, और ये वाली चौथी इंस्टॉलमेंट, चार इंस्टॉलमेंट है ना, चौथी डालते तो पता नहीं 12 लाख हो जाती, राइट और रॉन्ग? तो राइट। क्या किया हमने? बैलेंसिंग फिगर पे खेला, और चौथी इंस्टॉलमेंट गायब हो गई, क्योंकि देखो चार इंस्टॉलमेंट होंगी, जब 12 महीने होंगे तो चार टुकड़े होंगे ना, जब 12 है ही नहीं तो कभी भी चार टुकड़े नहीं हुए। बात समझ आ रही है? इसको समझ गया। लिखिएगा। लिख लिया। ओके, अब क्वेश्चन का मुझे वही इंस्टॉलमेंट सिस्टम बताना है प्लीज। हमें पहले क्या करना होता है? ये 8 मंथ एंड है ना बेटा, क्या करेंगे? शुरू का वो निकालेंगे। पहले इसको खोल के लिखेंगे कि ये शुरू कब हुआ होगा, बताएंगे। जुलाई में। वैसे लार्ज कंपनी के लिए चार इंस्टॉलमेंट होती है, तो फॉर्मेट के हिसाब से मैंने चार लिख दिया। अब हमें पता है शॉर्ट है,
चार तक तो पूरा जाएगा नहीं, लेकिन ठीक है। कब से शुरू हुआ होगा बेटा? जुलाई से। आप उंगलियों पे, अब जुलाई से आप गिनो, जुलाई से मार्च तक उंगलियों पे गिनो, क्या जुलाई से मार्च तक 8 महीने बनते हैं? चेक करा करो। जी सर बताओ, बन रहे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा मेरी उंगलियां 9 बता रही हैं। दोबारा अपनी अच्छा उंगलियां, सर सॉरी जुलाई को भी अगर गिन रहे तो फिर हाँ बन रही है, तो वो अगस्त हो जाएगा। जुलाई का, आप अगर आप 1 जुलाई लिखोगे तो मैं जुलाई को काउंट करूंगा ना बेटा। फर्स्ट हाँ सही है। अगस्त, अब आपने सही बताया। अब आपने इससे सीक्वेंस बनाई, मुझे बता दो क्या जाऊंगा, डेट्स बता दो, चारों डेट्स बता दो। चलो आपको छूट है। पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी? 14 फेब्रुअरी। सुभान अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम, 14, वो भी फैब की। तो बताओ बताओ बताओ, उसके बाद फोर्टीन मई 14 में फॉर बकरी। चलो भाई, पछे और उसके बाद है जुलाई उंगलियां बेटा, उंगलियां। हाँ अगस्त अगस्त पछे, अच्छा नवंबर। अल्लाह। अमाउंट के तरीका क्या था सर? आपने कहा था शॉर्ट है ना, तो डिवाइड बाय 4 नहीं करना, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 एट इक्वल 8। एक इंस्टॉलमेंट कितने की पड़ी? जी बन रहा है। ये एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है और ये मैंने की है थोड़ी सी गड़बड़, वो आपने सही करवानी है कि कहाँ पे मैंने की है गलती। शाबाश। 2500 ये क्या बताओ? सर टैक्स देना है 15 लाख का, सही। आपने क्या गलती की है बताओ ना, बताओ बताओ। सर टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें, तो आप तो इसमें मुझे बैलेंसिंग फिगर लेना चाहिए था दो कहाँ पे फेब्रुअरी लिख तीन जुलाई के आओ, बाद। टेल मी व्हाट शुड आई डू माय फ्रेंड। 14 अगस्त वाली इंस्टॉलमेंट में वो आएगी, बैलेंसिंग फिगर रहेगी। कितनी? कितनी आएगी? यस इतनी आएगी 375। और यहाँ पे खत्म हो गया, तो चौथी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ नहीं की जाएगी। राइट और रॉन्ग? कॉपी राइट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी कोई सवाल बेटा? हेलो, हो गया सर कॉपी। एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ये क्या कहता है क्वेश्चन? पीरियड एंड है मेरा, ये 51% ग्रुप में मेरे पास है जी लिमिटेड,
और बी लिमिटेड, खुद ही बता दिया 51% ग्रुप है, तो टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इस कंपनी का ऑगमेंटेड प्रॉफिट क्या है बताओ, और इसके आगे इसका स्टेटस बताओ, और स्टेटस में स्क्रोल डाउन बटन लगा हुआ है, लार्ज और नॉट अ लार्ज के ऑप्शन हैं, आपने एपी निकालना है। बाय डिफॉल्ट हमें पता है एपी 15 लाख होता है। हम एक हमारी दो सब्सिडरीज हम एक हमारी दो 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके कितने हो गए, तीन और क्या ये महीनों पे काम है कि नहीं है, यस है यानी जो लास्ट हमने सीखा था कि मंथ्स पे अपोर्शन होती है, और आज सीखा कि ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपोर्शन होती है, तो किसी क्वेश्चन में दोनों मिलके भी आ सकते हैं, तो इस कंपनी का आंसर ये आ गया। अब मैं कहता हूं भाई कि इसका एपी कितना आ गया, सर इसका एपी आ गया 3,75,000। किसको मैच करना होता है, क्या देखना होता है, इसमें नो नॉट अलाउड जाएगा। नहीं, 3.5 लाख है ना, अब क्या चीज मैच करते हैं, ऑगमेंटेड प्रॉफिट ना। अब इस कंपनी का सर ऑगमेंटेड प्रॉफिट तो बताओ, मैं आपको डायरेक्ट एपी बता देता हूँ कि इस कंपनी का एपी 5 लाख है, कितना है हमें 5 लाख निकालने में से आता है, तो एपी 5 लाख है, इसका मतलब ये अपडेटेड या रिवाइज लिमिट के बाद कहाँ फॉल कर रही है, लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी में। इसमें कोई तकलीफ, नो सर। इसको भी लिखिएगा। अब एक लार्ज कंपनी है, हमारे पास एक लास्ट थ्योरी है कि लार्ज कंपनी टैक्स कैसे पे करे है, तो हमने कहा लार्ज कंपनी जो है वो सर इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करे है। अब एक आई एक बंदा आया, बंदा नहीं एक कंपनी है समझो, लाला लिमिटेड, क्या नाम है, लाला लिमिटेड। लाला लिमिटेड, लाला लिमिटेड टू मच अमीर, ये कहता है भाई ये 4 हिस्सों में हम टैक्स पे नहीं करेगा, ये क्या लगा के रखा है, हम क्या बार बार मरा 4 बार टैक्स पे करेगा, ये 7वां महीना ना, फिर 3-3 महीना, और ये ख्वारी हम नहीं करेगा ऐसे। लाला बोलता है आई वुड लाइक टू पे वन ऑफ टैक्स, वन ऑफ टैक्स मतलब 9th मंथ, साल में एक दफा। 9 मंथ्स प्लस 1 डे, याद है ना। लेकिन मसला यह है कि लाला लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी, मसला क्या खराब है कि लाला जो है लाला लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी, तो उसूलन कानूनन उसको इंस्टॉलमेंट देनी है, उसको वन ऑफ पेमेंट अलाउ नहीं है उसूलन। नहीं है यहां मसला है, गवर्नमेंट को भी आता हुआ तो बुरा नहीं लगेगा ना, चार बिल्कुल। जगह एक साथ आ जाए तो गवर्नमेंट को कोई मसला होगा, उनकी तो लॉटरी है। लॉटरी है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई कंपनी वन ऑफ पे करना चाहती है, इसका मतलब टेक्निकली को टॉपिक का नाम है एस्केप करना चाह रही है, एस्केप इंस्टॉलमेंट सिस्टम, यानी वो इंस्टॉलमेंट को एस्केप करके वन ऑफ देना चाह रही है, तो इज इट पॉसिबल, उनकी तो लॉटरी है, तो जवाब है यस, लेकिन उन्होंने दो कंडीशन रखी हैं, क्या रखी हैं,
कंडीशंस। दोनों कंडीशन मीट होना जरूरी है। वो कहते हैं कि भाई पिछले साल प्रीवियस ईयर आप नॉट अ लार्ज कंपनी होने चाहिए हो, यानी आपका बड़े बड़ा बनना पहली मर्तबा आप जो है वो लार्ज कंपनी बने हो, और आपका प्रॉफिट जो है ना वो अप टू 10 मिलियन पाउंड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 10 मिलियन पाउंड आपका प्रॉफिट हो और पिछले साल आप नॉट अ लार्ज कंपनी हो, ऑल्दो आप एक लार्ज कंपनी हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आप चाहें तो अपना टैक्स वन ऑफ पे कर सकते हैं। कब स्केप हो सकता है? जब पिछले साल आप नॉट अ लार्ज हो और जिस साल की बात हो रही है वन ऑफ पे करने की, उस साल का प्रॉफिट 10 मिलियन के अंदर अंदर हो, तभी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, वन ऑफ पेमेंट कर सकते हैं, वरना वन ऑफ पेमेंट करना इज नॉट अलाउड एट ऑल। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, ये वर्किंग, ये थ्योरी अक्सर आती है कॉर्पोरेशन टैक्स से, जो सवाल होता है 15 मार्क का, उसमें लाजिम ये पार्ट बन के आता है। 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स का ये हिस्सा होता है, तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, वरना कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन 2 आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सही। इंडिविजुअल वाले भी हैं। देखो भाई, अगर आप कॉर्पोरेशन टैक्स लेट पे करोगे तो गवर्नमेंट आपसे 2.5% टैक्स लेगी, और अगर आप ज्यादा पे कर दोगे तो गवर्नमेंट आपको 0.5% टैक्स पे इंटरेस्ट, ओवर पेमेंट पे इंटरेस्ट देगी, एहसान करेगी 0.5 पर एनम। ठीक है, जो सही। चलेगा वो ये चलेगा कि ड्यू डेट से लेके आपने किस दिन पे किया, इसके डिफरेंस के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। और लेने की बात आएगी तो आपने जिस दिन गवर्नमेंट को पे किया वो दिन से वो इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको, जो ड्यू डेट होगी ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ड्यू डेट 14 फेब है, आपको जल्दी थी, आपने जनवरी में ही टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट आपको जनवरी से इंटरेस्ट नहीं देगी। जो ड्यू डेट होगी ना, उस डेट को उस डेट से लेके जहां तक आपने एक्स्ट्रा वापसी गवर्नमेंट से क्लेम बैक नहीं किया, उस डेट तक गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी। बात समझ आती है? समझ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल से देख लेते हैं, पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स की लेट पेमेंट की पेनल्टी का ये क्वेश्चन है। एक नजर क्वेश्चन पे डालिए, एबल क्या कर रहा है? एबल एबल ने अकाउंट बनाए इस दिन, कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स इतनी लाइबिलिटी ईयर एंड है, 25,000 इसने जनवरी में पे किया है और बाकी बैलेंस जो है वो इसने 15 मार्च तक पे नहीं किया था, यानी 15 मार्च को पे कर दिया। इट्स नॉट अ लार्ज कंपनी मेरे दोस्त, नॉट अ लार्ज कंपनी हो तो उसको टैक्स कब पे करना होता है? 9 months in 1 day। एंडिंग डेट से कि स्टार्टिंग डेट से? स्टार्टिंग डेट ऐसा नहीं, ऐसा एंडिंग डेट से। एंडिंग डेट से, तो इसकी ड्यू डेट क्या है? 9 months plus 1 day, 1st January। आर यू श्योर? यस। ठीक है, नहीं सॉरी, 1st December। सही है बेटा, मार्च 31 है ना, तो मार्च काउंट नहीं होगा, अप्रैल मई हाँ जून तो सही है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के बाद की पहली तारीख, तो आपने बिल्कुल सही कहा था, 1st of January 23 जो है वो ड्यू डेट है, राइट? राइट। लेट पे लेट, लेट पे लेट, कितना लेट किया? 25,000 तो पे कर दिए थे, इसका मतलब
50,000 का बैलेंस 15 मार्च तक खड़ा हुआ था, तो 50,000 का बैलेंस है, सवा कितना पेट है, 3.25, सवा 3% साल के हिसाब से। ये कितना लेट किया है, जनवरी से लेके 1 जनवरी से मार्च 15, तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च के, यानी मैं 2.5 मंथ्स कर दूं, सही। ये आ जाएगा लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज जो कि गवर्नमेंट आप पे करेगी, एंड यू हैव टू पे इट। एनी प्रॉब्लम लिखिएगा, खैर हो जाए तो बताइए, ओके डन। डन। आपको देखो, इंडिविजुअल के रिकॉर्ड 4 साल और 6 साल में अलग अलग हैं, कंपनीज के रिकॉर्ड्स आपको 6 साल तक संभालने हैं। कितने साल तक संभालने हैं? 6 साल तक, साल फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू द डेट ऑफ द कंप्लाइंस एक्ट, यानी आपको 6 साल तक रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके पास आ गई कंप्लाइंस चेक लेके, तो जब तक कंप्लाइंस चेक चलेगा उस वक्त तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखना पड़ेगा, लेटर ऑफ है ना, बाय डिफॉल्ट 6 साल है। और अगर कंप्लाइंस में आप फंस गए, तो फिर जब तक कंप्लाइंस चलता रहेगा, भले 6 साल से 20 साल तक चलता रहे, आपको रिकॉर्ड संभाल के रखना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट। अगर आप रिकॉर्ड संभाल के नहीं रखते, तो इंडिविजुअल हो के कंपनी, मैक्सिमम फाइन 3,000 पाउंड का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो 3,000 होगा, वरना रिकॉर्ड जितना कम है उस हिसाब से फाइन रिड्यूस होता चला जाएगा। गॉट इट? गॉट इट। एचएमआरसी के पास राइट होता है कि आप ही कंपनी का विजिट कर सकती है, आप ही कंपनी का विजिट कर सकती है, आप वो चेक कर सकती है, फाइनेंशियल्स को चेक कर सकती है, इनवॉइसेस को चेक कर सकती है, हर चीज को वो चेक कर सकते हैं। एचएमआरसी आपके रिटर्न फाइल करने के 12 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिस इश्यू करती है, अगर कोई सस्पिशियस हो तो। अगर एचएमआरसी ने 12 महीने के अंदर अंदर रिटर्न जमा कराने के आपको नोटिस ऑफ स्क्रीनिंग या नोटिस ऑफ कंप्लाइंस चेक नहीं दिया, तो फिर एचएमआरसी आपको कंप्लाइंस में नहीं फंसा सकते। रिटर्न जमा कराने के 12 महीने के अंदर अंदर रिटर्न नोटिस एचएमआरसी की तरफ से आ जाता है। एचएमआरसी हैव 12 मंथ्स टू फाइल अ कंप्लाइंस चेक अगेंस्ट यू। कंप्लाइंस चेक का नोटिस आया, आपके पास 30 दिन होते हैं उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए कि भाई क्यों कंप्लाइंस, मैं तो सही हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं। ठीक है, जब कंप्लाइंस चेक होता सही। है तो आपका उस साल का डेटा चेक किया जाता है, लेकिन जब आप फंसते हैं, यानी एचएमआरसी आया, कंप्लाइंस आपके नाम पे निकला, तो अब आपको पकड़ लिया, अब आपका क्या चेक करेंगे? बच्चों का ये जहन होता है कि सर सिर्फ उसी साल का डेटा चेक करेंगे, तो नहीं, एचएमआरसी आया तो उसके पास बाय डिफॉल्ट 4 साल का डेटा चेक करने का हक है। वो पिछले 4 साल, इस साल जिस साल का है डेटा वो, यानी टोटल वो 4 साल का डेटा चेक करेगा, कर सकता है। अगर उस 4 साल की डेटा में वो केयरलेसनेस मिलेगी, तो इस 4 की जगह वो 6 साल के डेटा को इंस्पेक्ट करने की उसकी ताकत है। और अगर उसको कोई जानबूझ के डेलिबरेट, यानी टैक्स इवेजन के प्रूफ मिल गए, टैक्स इवेजन मतलब 2 नंबरी चोरी चपाटी, अगर टैक्स में गड़बड़ उसको मिल गई, तो फिर वो पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड भी आपका इंस्पेक्ट कर सकता है। और जब तक इंस्पेक्शन चलेगी, आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। व्हाट माय पॉइंट? करेक्ट। अगर आपका कोई रिफंड आता है, आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, तो ओवर पेमेंट आपने जो की है, आपके पास 4 साल होते हैं गवर्नमेंट से क्लेम बैक करने के लिए,
वरना गवर्नमेंट आपका टैक्स खा जाएगी, गवर्नमेंट आपको रिफंड फिर नहीं करेगी। ओके, सही है। इसमें थ्योरी ये थी। अभी आखिरी बात इसमें रह गई, पेनल्टी। एक तो था इंटरेस्ट, लेट टैक्स जमा कराओगे तो इंटरेस्ट तो होगा, साथ ही साथ पेनल्टी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सही। है हैंडआउट में, ये जो परसेंटेज है ना ये नहीं है, मैंने अभी जो क्वेश्चन में करवाई थी ना तब वो 3% सही है। ये है। ठीक है, और ये आपको देखना है, ये करेक्शन लिख लेना, ये हैंडआउट में थोड़ी करेक्शन है। ठीक है, सही है। साथ ही साथ पेनल्टी होगी। पेनल्टी क्या होगी भाई, देखो अगर 3 महीने के अंदर अंदर जमा हो रहा है तो 100 पाउंड की फिक्स पेनल्टी, इंटरेस्ट अपनी जगह है, 100 पाउंड की फिक्स पेनल्टी भी होगी। अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन 6 महीने तक है तो ये 100 पाउंड 200 पाउंड बन जाएंगे। 6 महीने से 12 महीने लेट हो गए तो 200 पाउंड अपनी जगह खड़े रहेंगे, मजीद 10% एडिशनल फाइन होगा ऑफ द आउटस्टैंडिंग टैक्स। और अगर लेट करते करते 12 महीने से भी ऊपर चले गए तो वो जो शुरू के 200 पाउंड है ना फिक्स पेनल्टी वाले, वो अपनी जगह रहेंगे, मजीद आपको 20% की एडिशनल, यानी जो 10% था ना वो 20 बन जाएगा, सही। 20% ऑफ अनपेड टैक्स। मिसाल के तौर पे एक बात बताओ, एक बंदा 8 महीने लेट करेगा तो क्या होगा, 200 पाउंड देगा प्लस 10% ऑफ द अनपेड टैक्स देगा। ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा 13 महीने लेट जमा करवाएगा, 200 पाउंड देगा और और जो फिर वो 20% देगा। 20% देगा। गॉट माई पॉइंट? सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा बदतमीज आदमी है जो कि आदि मुजरिम, आदि मुजरिम मतलब हर साल लेट करता है, सही। यानी 2 सालों से लेट ही चल रहा है वो, तो फिर ये जो 200 की फिक्स है ना ये 500 या 1,000 भी करी जा सकती है। ठीक है, सही है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज।